गुड मॉर्निंग सेंटियंस, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. टुडे वी रीड इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास फर्स्ट. ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 55. लास्ट हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा था, अब हम करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 4. लास्ट आपका बुक का लास्ट मॉक टेस्ट पेपर है एंड अब हम करेंगे मॉक टेस्ट पेपर. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? यहाँ पे साइन लगेगा फुल स्टॉप का. ओके, दिस इज अ सेंटेंस. तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप का साइन. आर यू गोइंग योर होमवर्क. क्या तुम अपना होमवर्क करने जा रहे हो? ये एक क्वेश्चन हुआ है, आज पूछा जा रहा है. ठीक है, तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का साइन. हरी इज अ हॉलीडे. हुर्रे इज टुडे इज अ हॉलीडे टुडे. ओके, तो आज ये कौन सा एक्सक्लेमेशन साइन है? यहाँ पे एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो कौन सा साइन होगा? एक्सक्लेमेशन साइन. ओके, यहाँ पे शी इज माई सिस्टर, ये एक सेंटेंस है. शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है. तो यहाँ पे फुल स्टॉप का साइन. ओके, वाई हैव यू कम लेट टूडे. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क किया जा रहा है. वाई हैव यू कम लेट टूडे. आज तुम लेट क्यों आए? तो क्वेश्चन मार्क का साइन लास्ट में. ओके, जब पूछा जाता है कुछ, आस्क किया जाता है, तो वहाँ पे क्या कौन सा साइन आता है? क्वेश्चन मार्क का साइन आता है. ओके, ओके, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल. आप स्कूल पे शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं माई स्कूल पे ऐसे एक ऐसे लिखा हुआ है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन योर स्कूल. तो यहाँ क्या, माई स्कूल पे आई स्टडी इन द सेंटर किड्स स्कूल. आप किस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं? इट इज सूटेबल ऑन द आउटस्किल ऑफ द टाउन. ये स्किल के अंदर है, इट हैज़ अ टाउन के अंदर है. इट हैज़ अ ग्रैंड टू स्टोरी बिल्डिंग. ये टू स्टोरी मतलब दो मंजिला इमारत है. एंड देयर आर 40 क्लासरूम इन इट. यहाँ पे 40 क्लासरूम्स हैं. एंड दे आर फॉर द स्टूडेंट्स. ये क्या है? स्टूडेंट्स के लिए है. ईच क्लासरूम हैज़ अ ब्लैक बोर्ड. ईच क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है. अ कपबोर्ड एंड फाइव फैंस है. ओके, यहाँ पे कपबोर्ड भी है एंड फाइव फैंस मतलब पंखे हैं. ऑल द क्लासरूम आर बिग एंड एयरी. और सारे जो क्लासरूम है वो बिग हैं, बड़े हैं और हवादार है. ओके, इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द एरियाज. ओके, हमारे एरिया में इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल. वी आर प्राउड ऑफ इट. हमें उस पर गर्व है. इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस टू डिस्क्राइब इट. यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में सेंटेंस आपको डिस्क्राइब करना है. क्या है? बटरफ्लाई है. द बटरफ्लाई इज अ प्रीटी लिटिल इंसेक्ट. ओके, द बटरफ्लाई इज बहुत छोटी बटरफ्लाई होती है और बहुत प्रीटी मतलब अच्छी सुंदर इंसेक्ट होती है. ठीक है, इट इज अ बटरफ्लाई अराउंड द फ्लावर्स. फ्लावर्स के अराउंड होती है, आसपास होती है. इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल विंग्स. इसके पास बहुत सुंदर पंख होते हैं. बटरफ्लाईज लाइफ अ शॉर्ट. बटरफ्लाईज की जिंदगी बहुत छोटी होती है. दे ले एग्स ऑन द प्लांट. वो क्या करती है? वहाँ अपने जो एग्स है ना वो प्लांट पे देती है. ओके, मैच द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से अपोजिट. बिग ब्राइट का क्या होता है? डल. डल लव हेट एक्टिव लेजी फर्स्ट लास्ट. इस तरीके से आप कर सकते हैं. यहाँ देखो इवेल्युएशन पेपर 2. यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोजिट वर्ड्स. अपोजिट वर्ड्स कैसे होते हैं? ब्यूटिफुल अगली डेंजरस हार्म ब्रेव अफ्रेड. ओके, rise, set, true, false, active, inactive, beginning, and up, down, attack, defense, empty, full. इस तरीके से. ओके, empty means होता है खाली, full मतलब होता है भरा हुआ. ये सब आपको मतलब मैंने बता चुकी हूँ पहले. एंड चूज करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. चूज करेक्ट प्रोनाउन. आर के साथ में वी लगता है तो क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे. ओके, इज बॉय. बॉय है और इज है तो क्या आएगा? इसके साथ में क्या लगता है? या तो शी लगेगा या ही लगेगा. लेकिन यह बॉय दिया हुआ है तो क्या लगेगा? ही लगेगा. ओके, लुक एट द चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस को देखो. दे आर. आर के साथ क्या लगता है? दे और वी लगता है तो क्या लगेंगे? चिल्ड्रंस. जब चिल्ड्रंस आया तो वी नहीं आएगा. क्या आएगा? दे आएगा. ओके, शी ब्यूटीफुल गर्ल. यहाँ पे गर्ल आया है तो ही तो लगेगा नहीं गर्ल के साथ. यहाँ पे क्या लगेगा? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग हाउ टू स्पेंड योर पिकनिक. आपको लिखवाया गया है आपने अपना वैकेशन कैसे इंजॉय किया है, वो आपकी नोट आपको ये लिखवाया गया है. ठीक है, तो पिकनिक आपको पिकनिक के बारे में डिस्क्राइब करना होता है. ठीक है, ये लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है. ठीक है, आपको लिखवाया हुआ है नोटबुक में, आप उसमें से देख के लिख सकते हैं. गिव एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन. एडजेक्टिव अ ब्राइट सन, अ बिग रूम,
अ लार्ज एनिमल, ये क्या है, किसी चीज को खास बना रही है, एडजेक्टिव विशेषता. ओके, अ बिग बॉय, अ सनी डे एंड अ न्यू शर्ट. ओके, यहाँ ओल्ड भी लिख सकते हैं. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद दिस एंड दीज, दिस एंड दीज, तो क्या आएगा, दीज आर बॉय, आर के साथ में क्या लगता है दीज, एंड इसके साथ में क्या लगता है दिस, तो दिस इसके साथ में लगेगा. यहाँ पे जो भी है ना इज, यहाँ पे दिस इज आ जाएगा. ओके, जहाँ पे आर है वहाँ पे दीज आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, योर मॉक टेस्ट पेपर एंड योर इवेल्युएशन पेपर इज, इवेल्युएशन पेपर इज कम्प्लीट, क्लास इज ओवर एंड सिलेबस इज कम्प्लीट, सॉरी बुक इज कम्प्लीट नाउ. स्टे लर्निंग, कीप सेफ, हैव अ नाइस डे.